बजट में राजस्थान एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एन के जैन ने बजट को संतुलित बताया है। इनका कहना है कि बजट में पूंजीगत खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। इस बजट से बाजार में कैश फ्लो बढ़ेगा। बजट में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसका मेन फोकस जो रहा है वो पूंजीगत खर्चों पर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है। निश्चित रूप से 4.45 लाख करोड़ का जो खर्चा है पूंजीगत खर्च में, जो कि 32% ज़्यादा है, और इंफ्रा पे जो मेन फोकस किया है उससे नए रोजगार पैदा होंगे और जो फ्लो बाजार में कैश फ्लो बंद हो गया है वो पैसा बाजार में आएगा, इससे अपनी जीडीपी बढ़ेगी और जो इंडस्ट्री का पहिया एक तरीके से रुक गया था वो वापस स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो कुछ कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है, जैसे स्टील स्क्रैप पे नील कर दी गई, कॉपर पे 2.5% कम कर दिया गया और कई चीज़ों पे जो इंपोर्ट ड्यूटी कम की है कच्चे माल पे, उससे हमारे यहाँ की लागत को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी और तैयार माल पे जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है उससे यहाँ की इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। कुल मिला के एक संतुलित बजट है और निर्मला सीतारमण जी ने सबका ध्यान रखा है। जरूर इनकम टैक्स की जो स्लैब बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। हो सकता है कि बजट की चर्चा में जब सब एसोसिएशंस की तरफ से डिमांड आए तो इस स्लैब को भी वो कुछ बढ़ा दें जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी।